फ्रेंड्स, हमारी वाइब्रेशन जो है एक से लेकर दूसरे तक जरूर ट्रांसफर होती है। हम जो जहां से सोचते हैं वो जिसके बारे में सोचते हैं वो उसको जाकर टच जरूर करता है। तो हम कोशिश भी कर लें कि हमारी वाइब्रेशन उस तक ना पहुंचे, लेकिन वाइब्रेशन को पहुंचने से कोई भी दुनिया की ताकत जो है रोक नहीं सकती। वाइब्रेशन पहुंचती ही पहुंचती है। हम ऊपर से कितना अच्छा अच्छा बोल लें, लेकिन अंदर से जो हम सोच रहे हैं ना वो पहले ट्रांसफर होता है दूसरे पर्सन को। दो तरह की एनर्जी जाती है, ऊपर से हम ब्लेसिंग देते हैं और अंदर से कुछ और सोचते हैं, तो दोनों तरह की एनर्जी उसको मिलती है। तो ये नहीं सोचे कि हम मुंह से बोल रहे हैं तो वो ही पहुंचेगा, लेकिन अंदर से जो सोच रहे हैं वो भी ट्रांसफर होता है। हम इस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है, इसको रोक नहीं सकते कि ये रुक जाए। हमने सोचा है हमारे तक रहे, ये दूसरे तक पहुंचनी ही पहुंचनी है। तो अगर एक रिश्ते में नेगेटिविटी है तो हम नेगेटिव बातें उसके बारे में सोचते जाते हैं, विशेष साइकिल चलता जाता है, तो वो दूसरे तक पहुंचती ही पहुंचती है। हम यहाँ से ब्लू बॉल मीन्स नेगेटिव एनर्जी, कोई ब्लैक बॉल उसको भेजते हैं, सेंड करते हैं, ऐसे करके बॉल सेंड करते हैं। बॉल जब सेंड होगा तो वापस हिट होकर किसके पास आने वाला है? वो हमारे पास आने वाला, वहां से भी ब्लैक बॉल आएगी हमें। हमने फिर ब्लैक बॉल भेजी, हमें कोई और बात नहीं उसकी अच्छी लगी, वहां से फिर एक ब्लैक बॉल आएगी। इस तरह से ब्लैक बॉल का आदान प्रदान जो है चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अब ये रिश्ता जो है खराब होता जाएगा। एक ने भेजी है ब्लैक बॉल, दूसरा भी भेजता जाएगा, वो ये विशेष साइकिल चल रहा है। तो अब इस विशेष साइकिल को रोकने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक पर्सन इस विशेष साइकिल को रोक सकता है। अगर हम उस ब्लैक बॉल की जगह से, सामने से ब्लैक बॉल आ रही है हमें, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, हम उसकी जगह पॉजिटिव एनर्जी यानी कि व्हाइट बॉल उसको भेजें, तो वो धीरे धीरे उसको जब टच करेगी, हमारी व्हाइट बॉल हमारी पॉजिटिव एनर्जी टच करेगी, तो उसकी ब्लैक जो नेगेटिविटी आई पड़ी है वो नेगेटिविटी थोड़ी साफ होनी शुरू होगी और उसको रिलैक्स फील होना शुरू होगा, और वहां से भी आपको धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होगी। ये नहीं है कि हमने एकदम से व्हाइट बॉल भेज दी तो उधर से भी एकदम से व्हाइट ही आएगी, उधर से अभी भी ब्लैक आएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से अच्छी एनर्जी सेंड करते जाएंगे तो वहां से हमें अच्छी एनर्जी जो है आनी शुरू हो जाएगी। तो उसको, उस पर्सन को भी लाइटनेस फील होगी और हमको भी लाइटनेस फील होगी। तो किसी भी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एक पर्सन का ठीक होना जो है बहुत जरूरी है। अगर दोनों नहीं ठीक हो सकते, ना सही फैमिली में अगर ऊपर नीचे कोई होता है, अगर एक पर्सन, दोनों में से एक पर्सन अपने आप को ठीक कर लेता है, अच्छी एनर्जी सेंड करता है, तो वो रिलेशनशिप जो है ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्योंकि अगर एक से जो हम ब्लैक बॉल भेजते हैं, अंदर हमारे बिटरनेस आती है, हमें परेशानी आती है, दुखी तो होते हैं, अंदर वाइब्रेशन जो है नेगेटिव चलती है। तो जब एक से ट्रांसफर होती है ना, तो वो दूसरे को जाती ही जाती है। एक से नेगेटिव एनर्जी अगर शुरू हो जाए तो वो दूसरे रिलेशनशिप को भी वो नेगेटिव एनर्जी जाने लगती है। जैसे हम अपने हाथ से कोई बड़ी भारी चीज उठा लेते हैं, मान लो हमने कोई पत्थर ही उठा लिया। अब पत्थर उठाने से क्या हो गया कि हमारे हाथ में इतनी ताकत तो है नहीं थी पत्थर उठाने की, हमने उठा लिया, उठाकर एकदम से हमने फेंक भी दिया कि हमसे उठाया नहीं जाता, तो हाथ तो हमारा इंजर हो गया। अब हाथ में अगर छोटा सा पेन भी उठाते हैं ना, तो पेन भी नहीं उठा पाता, हाथ में दर्द होता है। इसका मतलब कि अगर एक हमने नेगेटिविटी यहाँ क्रिएट कर दी है, तो दूसरे रिश्तों में भी ये नेगेटिविटी जाने ही वाली है। सिमिलरली, जैसे पेन ही नहीं उठाया जाता, ऐसे दूसरे रिश्तों में भी ये नेगेटिविटी धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए अपनी एनर्जी को कोशिश करें पॉजिटिव रखने की, वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखने की। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।